सोनू सूद ने कोरोना काल में जिस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाई, उनके फैंस उन्हें मसीहा बुलाने लगे। मदद करने का यह सिलसिला उनका अभी भी जारी है। सोनू सूद के घर के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगती हैं, जो उनके पास काफ़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। किसी की बीमारी तो किसी को जॉब के लिए सोनू कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हुए देखे जाते हैं। अब सोनू सूद बिहार की ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता की मदद के लिए आगे आए। दरअसल प्रियंका पटना में अपनी चाय की दुकान चलाती हैं। कुछ वक्त पहले पटना नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के दौरान उनके दुकान को सीज कर दिया। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह रो रही थी और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पटना में बहुत से गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन उनकी दुकान को ही निशाना बनाया गया। प्रशासन चाहता है कि वो लड़की है तो घर पर बैठ कर खाना बनाए। उनका दावा था कि प्रशासन उनके बिजनेस को बंद करना चाहता है। प्रियंका का यह वीडियो वायरल हो गया था। प्रियंका इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। जब 2 साल तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने इस साल के शुरुआत में पटना वुमेन्स कॉलेज के पास चाय की दुकान खोल ली। प्रियंका के वीडियो को एक चैनल ने ट्विटर पर शेयर किया, जिस पर सोनू सूद ने रिएक्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रियंका की चाय की दुकान के लिए जगह की व्यवस्था करवा दी है, अब प्रियंका को वहाँ से कोई नहीं हटाएगा। बिहार आकर जल्द आपके हाथ की चाय पीते हैं, जय हिंद। बता दें कि प्रियंका का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना वह वीडियो डिलीट कर दिया।